छोट पिला रेमडेसिविर मना आइवर मैक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपर भी कटका स्वास्थ्य मंत्रालय जारी कर नुआ गाइडलाइन तेज जदि छोट पिला ऑक्सीजन लेवल 90 तलकू आसुची हस्पिटाल भर्ती करोनार तृतीय लहर में छोट पिला संक्रमण को नहीं चिंता जाहिर करते विशेषज्ञ तबे छोट पिला वर्तमान रेमडेसिविर को मना करा सहित आइवर मैक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपर कटका लगा स्वास्थ्य मंत्रालय एक नुआ गाइडलाइन जारी करदि छोट पिला ऑक्सीजन लेवल 90 तलकू आसुची हस्पिटाल भर्ती करोनार तृतीय लहर में छोट पिला संक्रमण को नहीं चिंता जाहिर करते विशेषज्ञ वर्तमान स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ छोट पिला नुआ गाइडलाइन जारी करा छोट पिला वर्तमान रेमडेसिविर मेडिसिन मना सहित आइवर मैक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपर कटका लगाई स्वास्थ्य मंत्रालय तबे नुआ गाइडलाइन रही जदि छोट पिला ऑक्सीजन लेवल 90 तलकू खसुची हस्पिटाल भर्ती करोनार तृतीय लहर में छोट पिला संक्रमण को नहीं चिंता जाहिर करते विशेषज्ञ वर्तमान छोट पिला नुआ गाइडलाइन आसुची रेमडेसिविर छोट पिला मना अच्छी सहित आइवरमेक्टिन और स्टेरॉयड थेरापी उपर कटका लागू कर स्वास्थ्य मंत्रालय वर्तमान एक नुआ गाइडलाइन जारी करदि छोट पिला ऑक्सीजन लेवल 90 तलकू खसुची हस्पिटाल भर्ती कर तृतीय लहर को नहीं वर्तमान छोट पिला संक्रमण को नहीं चिंता बढ़ुता बेले एभली एक स्वास्थ्य मंत्रालय तरफ नुआ गाइडलाइन जारी करा जो गाइडलाइन रे स्पष्ट भाव में कहुई छोट पिला ऑक्सीजन लेवल 90 तलकू खसुची हस्पिटाल एडमिट करे संपर्कित अधिक आलोचना वर्तमान आम सहित स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर रामचंदानी जोड़ी होती डॉक्टर आपको आलोचना को स्वागत जन प्रथम आपंठ जानवाप चाहबू जो वर्तमान जितेबाला पिला नुआ नुआ आशंका आसुची नुआ नुआ तथ्य सामना को आसुची अभिभावक माने वर्तमान एक प्रकार आशंकर रही या भितर स्वास्थ्य मंत्रालय नुआ गाइडलाइन जारी करुच्ची जे पाई वर्तमान रेमडेसिविर मना करदी कौन सी पिला संक्रमित होती से इनस्टैंट कौन कर देखु पीडियाट्रिक सेक्टर जो प्रथम आक्रमण तृतीय पीडियाट्रिक सेक्टर मैंने इफेक्टेड बेसी हे देखा गले जेहतु बर्तमान जो नेशनल गाइडलाइन टा बाहर की हेल्थ मिनिस्टर छोट छुआ मान रेमडेसिविर टा देवा कथा कारण रेमडेसिविर हार्ट डिजीज मान जो मान लिवर सम्बन्धी प्रोब्लेम अच्छी किंबा किडनी सम्बन्धी प्रोब्लेम अच्छी किंबा छोट छुआ प्रेगनेंट लेडी मान क्षेत्र में इंडिकेशन हुए कंट्राइंडिकेटेड रिलेटिव कंट्राइंडिकेटेड तो से दृष्टि जमको दिजा कथा नुहे द्वितीय जिनका है जो गाइडलाइन कहूँ 90 सैचुरेशन तरफ खसिले जा मैंने आम सुगर स्टार्ट करवा माइल्ड टेस्ट सुगर रही आवश्यकता ना जमी आगु आम आगु मत कसीमटोमेटिक पेसेंट मैंने जो थे कि जो मैं सात दिन हो सीम कम थोड़ा एसीमटोमेटिक थे से क्षेत्र में स्टीरॉयड रोल ना स्टीरॉयड केवल मॉडरेट टू सीवियर केस दिजाव आ जेहतु छोट छुआ मान हाइपोक्सिया को टॉलरेट करवा कैपेबिलिटी बेसी सिचुएशन लेवल टी छुआ मान अपेक्षा बेसी ऑक्सीजन रिजर्व बेसी लंग कॉम्प्लायंस बेटर देन द एडल्ट तो से रिलेटिवली लो लेवल ऑक्सीजन 90 तलक फसिले हिं मानने सब स्टीरॉयड देवार आवश्यकता रही कि अन्न्य मेडिसिन व्यक्त देवार आवश्यकता रही जेहतु से बेटर मानने अन्य व्यस्त मानने इन कंपेरिजन टू अन्य लोक जो मैंने रिलेटिवली ओल्डर एज लोक अच्छा बेसी मात्रा ऑक्सीजन को टॉलरेट कर पाती हाइपोक्सिया को टॉलरेट कर पाती आई क्षेत्र में 90 मैंने धार्य कर अज्ञा तबे डॉक्टर जो कथा जदि देखा जाए जदि कौन सी पिला माने प्राइमरी स्टेज रही संक्रमण खूब कम से परसेंटेज कम अच्छी तेल से क्षेत्र में कौन कर कारण वर्तमान तो रेमडेसिविर मेडिसिन जो माने भी दवापाई चिंता करेंगे से दि जापरि आपड़ जो हिसाब से कहते जे जो आपंकर ऑक्सीजन लेवल अधिक तौक खसुची किंवा अधिक से भाई किसी क्रिटिकाल सिचुएसन आसूँ स्टेरॉयड थेरापी दिजाव ता पूर्व नुहे प्राइमरी स्टेज रे कौन कर देखो माइल्ड केस रे अन्य वायरल फीवर वाले
କୋଭିଡ୍ 19 ଭଳିଆ ଅନ୍ୟ ଭାଇରସ୍ ଗୁଡାକ ଯୋଉ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ରେସ୍ପିରେଟରୀ ଟ୍ରାକ୍ଟକୁ ଇନଫେକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ତ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟ ଭାଇରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାହା ଏଇ ଭାଇରସ୍ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତାହା କେବଳ ଆମକୁ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ କରିବାର ଅଛି, ଜ୍ୱର ହେଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେବାର ଅଛି, ଯଦି ନାକରୁ ପାଣି ବାହାରୁଛି କିମ୍ବା କିଛି ଯଦି ଆଲର୍ଜି ଛିଙ୍କ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମେ ସେଟ୍ରିଜିନ୍ ଦେବା, ମାନେ ସିମ୍ପଟୋମେଟିକ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ, ଆଉ କୌଣସି ମାଇଲ୍ଡ କେସ୍ରେ କିଛି ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ଯଦି ଆମେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯଦି ଷ୍ଟିରଏଡ୍ ୟୁଜ୍ କରୁଥିବା ରାଣ୍ଡେସିଭିର ସେଟା ଛୁଆ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଡକ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ତମାମ ସୂଚନା ପାଇଁ। ଆପଣ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ରାମଚନ୍ଦାନୀ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ଯାହା ତାଜା ଅପଡେଟ୍ ଦେଉଥିଲେ, ଯଦି ପିଲାଙ୍କର ସେମିତି ମାଇଲ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ରହିଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ମେଡିସିନ୍ କଥା କହିଲେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଇତ୍ୟାଦି ଦେଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ର ଲେଭେଲ 90 ତଳକୁ ଖସୁଛି ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ, ଯାହା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ନୂଆ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ରେମଡିସିଭିର ପୁରାପୁରି ମନା କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଷ୍ଟେରଏଡ୍ ଥେରାପିକୁ ମଧ୍ୟ ମନା ହୋଇଛି।